नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। दोस्तों आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आप क्वेस कंपनी में जॉब करते हैं, जो कि पहले आईकिया के नाम से जाना जाता था कंपनी, बट अभी उसका नाम जो चेंज होके क्वेस हो गया है, तो क्वेस में अगर आप काम कर रहे हैं, तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो आपके मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे कि आपकी ज्वाइनिंग को लेके ESIC, FNF, POP और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको लेके आप जानकारी जानना चाहते हैं कि किसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपके पास क्विज कंपनी की ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो मैं आज उसे मैंने बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जो ये जो क्यूरीज है आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे किस तरीके से आप क्विज कंपनी से बात कर सकते हैं कि आपकी जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें। तो गाइस, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाले वीडियोज हैं आप लोगों के लिए बना के लाया करता हूँ। चलिए बिना देरी के भी स्टार्ट करता हूँ कि कैसे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, ज्वाइन आपने देखा होगा जब आप ज्वाइनिंग कर रहे थे उस वक्त आपको एक ऐप डाउनलोड करके, जो कि इसका नाम है POP मतलब आपका जो है POP ऑनबोर्डिंग पेपरलेस जो आपका एक ऐप था, उस जब आपने ज्वाइन किया होगा तो उस टाइम पे आपने ये ऐप डाउनलोड किया होगा और इसके थ्रू ही आपको ज्वाइनिंग जो है अपलोड हुई रहेगी। तो जब इसको आप ओपन किए रहेंगे तो यहाँ पे ज्वाइनिंग आपका सब फॉर्म आपने फिलअप किया होगा और यहाँ पे देखिए आपका जो स्टेटस है, ये डॉक्यूमेंट्स डन या फिर QC पेंडिंग, ये सब कुछ चीज़ें जो भी ऑप्शन है यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे ऊपर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे कंपनी नेम आ जाएगा, नीचे आपका रेफरेंस नंबर आ जाएगा, सब कुछ आएगा, स्टेटस आएगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर। अब उसके नीचे ही देखिए आपको यहाँ पे लिखा रहेगा, आपकी यहाँ पे देखिए आईडी कार्ड भी आती है, बट आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं होता है, ऑप्शन नहीं दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे उसके नीचे देखिए कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर लिखा है, अब जैसा कि देख सकते हैं VO आईडी कार्ड के ऊपर यहाँ पे कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर लिखा है। अब इस पर मैं चलिए क्लिक करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या मतलब नंबर है। देखिए गाइस, ये नंबर यही नहीं है, इसके अलावा भी एक और नंबर है जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ों के लिए आपको अलग नंबर दिया है। चलिए मैं इसको डायल करके दिखाता हूँ आपको नंबर्स क्या है। अब दोस्तों देखिए, ये स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है, मैं ये नंबर डायल करने वाला हूँ। ये नंबर जो है क्वेस का है, बट ये नंबर पे आपका सभी काम नहीं हो सकते, तो इसमें एक और नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को ध्यान से सुनिएगा। मैं चलिए डायल करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि आपको दूसरा नंबर जो है वो कहाँ पे मिलेगा। इसको मैं कर देता हूँ डायल। आपका स्वागत है, हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। यदि आपको हमारी तरफ से कॉल आया है और आप कॉल अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो कृपया 1 दबाएं। ऑनबोर्डिंग, POP, ज्वाइनिंग डेट, ज्वाइनिंग लोकेशन से संबंधित किसी अन्य सवाल के लिए 2 दबाएं। यदि आपके पास अपनी सैलरी स्लिप, प्रोविडेंट फंड, ASI, फुल और फाइनल सेटलमेंट से संबंधित कोई सवाल है, तो कृपया 3 दबाएं। हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद। PF, ESIC, वर्क क्यू, वेतन संबंधी या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए आपको हमारी सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन 1800-572-3333 पर कॉल करना होगा। धन्यवाद। मैसेज को दोबारा सुनने के लिए 1 दबाएं। इसको मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद। PF, ESIC, वर्क क्यू, वेतन संबंधी या फुल एंड फाइनल सेटलमेंट से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए आपको हमारी सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन 1800-572-3333 पर कॉल करना होगा। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे जब कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डायल किया, तो वहाँ पे पहला ऑप्शन रहता है कि आपको लैंग्वेज कौन सा सिलेक्ट करना है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी चाहिए। उसके बाद अगर आपका ESIC के रिलेटेड है, आपको 3 प्रेस करने के बाद आपको एक नया नंबर देता है, वो टोल फ्री नंबर, जिस पे आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। तो अगर आपका ESIC के रिलेटेड कुछ इशू है, FNF के रिलेटेड इशू है, या फिर आपका कुछ और इशू है, तो आप दूसरा वाला जो नंबर है उस पर डायल करिए, तो वहाँ से आपका जो है काम हो जाएगा, प्रॉब्लम जो है आपको सॉल्व हो जाएगा, जो आपको जानकारी मैंने दिया है वो आपको काम आएगा और आपको नंबर जो है मिल गया होगा। एंड जब भी आप नंबर्स पे आप बात करेंगे तो वहाँ पे आपको कस्टमर के तरफ से आपको मेल भी आ जाएंगे, तो आपको ईमेल आईडी भी उसका मिल जाएगा। सो गाइस, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आप लोग के लिए मैं लाया था, जो कि मैंने दे दिया है।
तो चैनल पर हमारे पहली बार आए रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो जो है आप लोगों के लिए बना के लाया करता हूँ। लाइक जरूर करिए क्योंकि मोटिवेशन जो है मेरा बना रहेगा। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.